हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अपग्रेड नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डॉट्समैन सीवीएल के टॉप 20+ क्वेश्चन, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलते हैं दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटार इज देयर। हमारी जो मोटार होती है कितने टाइप्स की होती है? तो ये होती है 5 टाइप्स की। पहला है सीमेंट मोटार, दूसरा है प्लाई मोटर, तीसरा है सुरकी मोटर, चौथा है गेज मोटर और पांचवा है मड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मोटर इज अ, तो सबसे पहले दोस्तों आप मोटर की एक इमेज देखिए। तो मोटार जो दोस्तों हमारा बनता है बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीकेट और वाटर को आपस में जब मिक्स करते हैं तब हमारा मोटार बनता है। तो दोस्तों बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमारा जो यूज होता है सीमेंट या तो फिर लाइम यूज कर सकते हैं, और फाइन एग्रीकेट के रूप में हम यूज कर सकते हैं सैंड, सुरखी, इनमें से कोई एक। तो इनको आपस में मिलाने से हमारी मोटर तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों ये एक स्टील का हमारा इमेज है, इसमें से ये जो लाइंस होती हैं तो ये लाइंस को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है रिप्स, और इसका काम क्या होता है आइए देखते हैं। तो ये हमको प्रोवाइड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बिटवीन बार्स एंड कंक्रीट, कंक्रीट और जो हमारी बार होती है इसके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर बिकम स्ट्रॉन्ग, इससे क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर विथ स्टैंड ड्यूरिंग एंड अर्थक्वेक और फ्लड। जो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा अर्थक्वेक और फ्लड अगर जैसे आ जाता है तो उन केस में भी हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेवल ऑन मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई की एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी जो मिनिमम एक्यूरेसी है 5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट यूनिट वेट स्टील बार ऑन साइट। अगर आपको स्टील का वेट निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला है हमारा D²/162, इसमें से D हमारा जो स्टील आप यूज करेंगे उसका डाया और उसका स्क्वायर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द साइज ऑफ ए कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब की साइज कितनी होती है? ये होती है 15×15×15 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सीवर लाइन वी डिनोट विच कलर। जो हमारी सीवर लाइन होती है दोस्तों उसको किस कलर से डिनोट करते हैं? इसको रेड कलर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। रॉट आयरन कंटेंस कार्बन अप टू, जो हमारी रॉट आयरन होती है उसमें कार्बन की परसेंटेज लगभग कितनी होती है? तो ये 0.25% कार्बन हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाई। जो हमारी सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से आती है? तो ये हमारी आती है डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इलास्टोमर्स कैन एक्सपेंड अप टू, जो हमारा इलास्टोमर्स होता है वो कितना एक्सपेंड हो सकता है? तो ये दोस्तों हमारी ओरिजिनल डायमेंशन जो होती है हमारी उसका 10 times एक्सपेंड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विथ वाटर, जो हमारी सीमेंट कंपाउंड होती है उसमें से कौन सा सीमेंट कंपाउंड है जो हमारी वाटर के साथ क्विक रिएक्ट करती है, तो वो है हमारी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो वाटर के साथ क्विक रिएक्ट करती है, फास्ट रिएक्शन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो ये होती है हमारी 30 मिनट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो जो हमारा दोस्तों जो फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का, ये होता है 600 मिनट, और घंटे में बात करें तो 10 घंटा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फ्लाई एशिस, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है फ्लाई एश में, ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, फेरस ऑक्साइड, इनके मिक्सर से हमारा जो फ्लाई एश तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गैल्वनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विद अ टिन कोट ऑफ, जो हमारा गैल्वनाइजिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, जो हमारी आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजिंग। तो इसमें जो परत हम चढ़ाते हैं वो किस धातु की चढ़ाते हैं, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, तो हम इसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसका जो सिंबल होता है ZN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट बी, जो हमारी गुड क्वालिटी की स्टोन होती है उसमें से क्या क्या अच्छा होना चाहिए, तो हमारी गुड क्वालिटी की जो स्टोन होती है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम क्ले होनी चाहिए, रेसिस्ट एक्शन ऑफ एसिड्स, जो हमारी एसिड्स होती है उनका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सीवर पाइप आर मेड ऑफ, जो हमारी दोस्तों सीवर पाइप होती है तो वो किसकी बनी होती है, स्टोन वेयर की बनी होती है। दोस्तों इसकी एक इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, जो हमारा दोस्तों हाइड्रोग्राफिक सर्वे किधर यूज करते हैं, जहाँ पर हमारी लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी होता है जैसे समुद्र, तो इसको इस प्रकार की सर्वे को हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बीरिंग ऑफ ए लाइन इज आल्सो नोन एज, बीरिंग ऑफ लाइन को हम दोस्तों ट्रू बीरिंग के नाम से भी जानते हैं, सर्वे का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों भाई 20 क्वेश्चन, जो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बात इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।